नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल हॉबी गाइड नंदी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेजर्ट रोज या एडेनियम के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सीडलिंग लिया हूँ और दो ठो मीडियम साइज का एडेनियम का पौधा लिया हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पिछला साल सीड से कुछ पौधा ग्रो किया था, लेकिन समय के कमी के वजह से इनको यहाँ से उठा के अलग से पॉट में शिफ्ट नहीं कर सका। लगभग एक साल हो गया, लेकिन इनका ग्रोथ लगभग नहीं के बराबर है। कॉर्टेक्स का ग्रोथ एकदम ही नहीं हुआ। ये जिंदा है, लेकिन इनका ग्रोथ बहुत ही कम हुआ है। रेगुलर वाटरिंग और फर्टिलाइज़र के देने से ये जिंदा है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही कम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन ठो एडेनियम का पौधा है। एडेनियम को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो तीन ठो पौधा है, इन तीनों में से ये पिछला वाला का उम्र लगभग 4 साल है, लेकिन इसका कॉर्टेक्स देखिए एकदम ही मोटा नहीं हुआ। तो अगर आप ब्रांच से इसको प्रोपोगेट करेंगे तो नया पौधा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका कॉर्टेक्स बहुत ही कम ग्रो होता है। सीड वाले जो सीडलिंग होते हैं उसकी तुलना में जो आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, उसी एक ही उम्र का ये और एक सीडलिंग है, जिसको गार्डन सॉयल में डाल के मैंने अलग पॉट में डाल दिया था। तो इसका कॉर्टेक्स देखिए उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटा हुआ है। यहाँ पे और एक तो सीडलिंग है मेरे पास, जिसको भी एक ही टाइम का वो पौधा है, इसका ट्रंक चॉप कर दिया था, तो यहाँ से ब्रांच बहुत ही अच्छी तरह से डिवाइड हुआ है। अगले दिनों में जब इसको फिर से रिपोर्टिंग करूँगा, तो फिर से अगर इसका ब्रांच को हम प्रून कर देंगे तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा एक ठो कैनोपी मिलेगा। जितना ज़्यादा ब्रांच होगा, फ्लावरिंग भी उतनी बढ़िया होगा। और सबसे ज़रूरी बात, इनका कॉर्टेक्स वो जिसको हमने सेपरेट से अलग पॉट में नहीं लगाया था, उनके ज़्यादा में या उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लेकिन मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, ये सब ऑर्डिनरी गार्डन सॉयल में लगाया हुआ सीडलिंग है। इनका जो ग्रोथ है, ये अल्टीमेट ग्रोथ नहीं है। और एक ज़रूरी बात, आप कटे हुए ब्रांच से भी एडेनियम को ग्रो कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया है। ब्रांच को लीजिए, ऐसे उसमें एक शार्प काट लगाइए और उसको आप मिट्टी में डाल दीजिए, इस कुछ इस तरह से। हर क्षेत्र में ये जो कट लगाना ये भी ज़रूरी नहीं होता है। और एडेनियम को ग्रो करने के लिए रूटिंग हार्मोन का भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप जो ब्रांच से नया पौधा ग्रो करेंगे, उसका कॉर्टेक्स का जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम होता है। अब मैं आपको एक ठो दूसरा पौधा दिखाता हूँ, जो अगले वाले से एक साल का पहले का है। इसका भी हमने ट्रंक चॉप कर दिया था, तो इसका ब्रांच का काफ़ी अच्छी तरह से डिवाइडेशन हुआ है, लेकिन कॉर्टेक्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इसको भी हमने नॉर्मल गार्डन सॉयल में लगाए थे। ये जो पौधा है देखिए दोस्तों, इसी एक ही उम्र का पौधा है। इसका जो मिट्टी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी
हद तक हल्का है। इसमें जो छोटा छोटा ईंट का टुकड़ा, पत्थर और जो रेत है आपको शायद दिख रहा होगा, इसका ग्रोथ देखिए दोस्तों इनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो है, अगर आप एडिनियम को वेल ड्रेनेज वाला सॉयल में लगाएंगे तो इसका कॉर्डेक्स का ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। एडिनियम को अगर आप किसी टाइट मिट्टी में बिठाएंगे, बहुत ही सख्त टाइप का मिट्टी जहाँ पे ड्रेनेज अच्छी तरह से नहीं हो सकता, तो उसका कॉर्डेक्स का ग्रोथ काफ़ी कम होगा। आपको लग सकता है कि इसका टाइप कुछ अलग तरह का है तो इसीलिए इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। इस पौधा को भी देखिए, ये भी उसी एक ही वक्त का पौधा है जिसको हमने वेल ड्रेनेज वाला सॉयल में लगाया था, जो मैं नॉर्मली घर में तैयार करता हूँ अपने बोनसाई में देने के लिए। उसी जो सॉयल मिक्स है, उसी सॉयल मिक्स में ये एडिनम को लगाया और इसका ग्रोथ ज़रा देखिए दोस्तों, इसका ग्रोथ काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, वेल ड्रेनेज सॉयल मिक्स एडिनियम के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से काम करता है। अगर आप इसको वेल ड्रेनेज सॉयल में लगाएंगे तो इसका कॉर्डेक्स काफ़ी हद तक दूसरों की तुलना में ग्रोथ करेगा। और एडिनियम का कॉर्डेक्स ग्रोथ करने का और बहुत सारा ट्रिक्स है जो धीरे धीरे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक सीरीज़ है, आप एक भी वीडियो मत मिस कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीरीज़ है दोस्तों, एक भी वीडियो मत मिस कीजिएगा। ओके दोस्तों, आज इतना ही। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल से रहेंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जो बात पहले ही बोल चुका हूँ कि वो ये एक सीरीज़ है, एक भी वीडियो मत मिस कीजिएगा।